Top 20 News is brought to you by Aura Fine Jewelry. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर लगातार 11वें दिन आर्जिकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष सीबीआई के दफ्तर पहुंचे। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के मालवण कस्बे में सिंधुदुर्ग किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा जो कल गिरी थी उसे आज सुबह ढक दिया गया है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर पूछा कि राहुल जी, आप चुनाव जीतने के लिए फारूक जी के साथ पाकिस्तान कब जाइएगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जातिगत जनगणना की हमारी बहुत पुरानी मांग है। लालू प्रसाद जब जनता दल के अध्यक्ष थे तभी से यह हमारी मांग रही है। रूसी विध्वंसक विमानों के आसमान में उड़ान भरने के बाद यूक्रेन में हवाई हमलों की नई चेतावनी जारी की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात की और प्रधानमंत्री की पोलैंड और यूक्रेन की हालिया यात्रा के साथ साथ सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठकों पर चर्चा की। कड़प्पा आंध्र प्रदेश कड़प्पा रायचोटी राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुवालचेरूर घाट रोड पर एक सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है। देशभर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है और मथुरा से लेकर द्वारका तक जन्माष्टमी का उत्सव उल्लास चल रहा है। कोलकाता रेप केस के विरोध में बीजेपी आज नवा अभियान चलाएगी। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। आदिवासियों के धर्मांतरण को रोकने के लिए दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी तारीख है। महाराष्ट्र में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए शिंदे सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने महिलाओं को उत्पीड़न की शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में नर्सिंग की छात्रा से रेप हुआ है और छात्रा चंपक मैदान में बेहोशी की हालत में मिली। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। बसपा चीफ मायावती की अगुवाई में लखनऊ में पार्टी की बैठक होगी। इस बैठक में महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव पर बड़ा फैसला होगा। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने के बाद अब राज्य का सियासी पारा भी हाई हो गया है। विपक्ष ने शिंदे सरकार की आलोचना की है। संजय निरुपम ने कहा कि शिवसेना यूबीटी में 50% से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार होने ही चाहिए। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट नहीं देते तो इनका एक भी उम्मीदवार नहीं जीत पाता। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान पर पार्टी ने नाराजगी जाहिर करते हुए नसीहत दी है। बीजेपी ने कहा कि कंगना रनौत को निर्देश दिया गया है कि भविष्य में वो ऐसे बयान न दे। भारतीय शेयर बाजार की आज बढ़त पर शुरुआत हुई है और सेंसेक्स निफ्टी दोनों सूचकांक में बढ़त के साथ कारोबार हो रहा था, लेकिन आधे घंटे के भीतर ही बाजार लाल निशान में आ गया है। आनंद एल राय के डायरेक्शन में बनी रांझना सुपरहिट साबित हुई थी। इस फिल्म में धनुष लीड रोल में नजर आए थे लेकिन वो मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज। नमस्कार।